प्रभु यीशुआ बहुत जल्दी आ रहे हैं। उनके आने से पहले ये दुनिया उनको मिलने के लिए तैयार होनी चाहिए। इस उच्च बुलावे को पूरा करने के लिए प्रभु ने भविष्यवक्ता एंजल टीवी ये कार्यक्रम पसंद किया है। हाँ दोस्तों, एंजल टीवी। प्रभु यीशुआ इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता बनकर आए तो भविष्यवक्ता यूहन्ना, जिसे बपतिस्मा देने वाला कहा जाता था, अकेला ही प्रभु के लिए मार्ग बनाने चल पड़ा। लोगों को इस बारे में बताने लगा। पर अब प्रभु यीशुआ की दूसरी बार आने की घोषणा करनी है। ये प्रभु की योजना है कि संसार भर में भविष्यवक्ताओं के बहुत सारे समूह खड़े हो और लोग उनके लिए राह बनाए। उनकी योजना को तेजी से सफल करने के लिए उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और उसके बाद वो आ जाएंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। बहुत से लोगों के समूह को उठा रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। इन सब समूह में से जो पहला समूह है उसमें बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, अंतिम दिनों के योद्धा। एंजल टीवी के द्वारा आयोजित बच्चों की सभा में प्रभु ने अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता का अभिषेक सभी बच्चों पर उंडेला है। उन्होंने उनकी आत्मिक आंखें खोल दी और उन्हें दर्शन देखने लायक बनाया है। को दुनिया के सामने साबित करने के लिए एंजल टीवी ने एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम बनाया है, जिसका नाम है नन्हे सितारे। प्रभु ने इस कार्यक्रम के बारे में हमारे भविष्यवक्ता साधु दादा से उजागर किया था, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम नन्हे सितारे पहली बार जुलाई 2013 में प्रसारित हुआ था। अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त कर चुके और दर्शन देख चुके हुए छोटे छोटे बच्चों को ढूंढने के बाद हमने उनके दर्शन के बारे में पूछा और वो सब हमने इस कार्यक्रम में दिखाया।
दर्शन ये बच्चों ने देखा है उन्हें पिक्चर और कार्टून के माध्यम से इस कार्यक्रम में बताया गया है ताकि बच्चे इसे आसानी से जान सके। बच्चों को सिखाते हैं आज प्रभु के अनुग्रह से अपना 100वां एपिसोड कर रहे हैं। आज का हमारा ये एपिसोड 100वां एपिसोड है। पिछले 3 साल से प्रभु ने हमारा इस कार्यक्रम में बहुत साथ दिया है। सितारों का सफर बच्चों को विविध जगहों से देखना और बच्चों का अनुभव सुनना जब प्रभु से मिले और जो वो साझा करते हैं उनकी भाषा में वो सुनना हमारे दिल को ये सब खुशी से भर देता है और इन बातों से हमारा मार्गदर्शन भी होता है। तब वो मुझे मेरा हाथ पकड़कर स्वर्ग लोग ले गए। हाँ दोस्तों, ईश्वर पिता ने मुझे अपने गोद में बिठाया और उन्होंने मुझे यहाँ चूमा। प्रभु बच्चों के 3 तरह के समूह को खड़ा कर रहे हैं जो प्रभु में खड़े हो रहे हैं। पहला समूह है भविष्यवक्ताओं का, दूसरा समूह है वॉरियर्स का, तीसरा समूह है शहीदों का। जब हम इन छोटे छोटे बच्चों से सुनते हैं कि वो भी इन 3 समूहों में से 1 समूह में से है और वो प्रभु में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब प्रभु के वचन हमें सिद्ध होते हैं और ये इन बच्चों के द्वारा साबित होता है। अनुभव सुनने के लिए आप सब तैयार हैं?
शैतान से कहा कि तुम भाग जाओ, वो मेरी छोटी बच्ची है। मैंने प्रभु के नाम से उसको फटकार लगाई और बांध दिया और वो भाग गया। मेरा नाम है फिर मैंने कहा प्रभु यीशु के नाम से विजय हो उनके रक्त से। यहाँ पे पानी नहीं है और अग्नि है और मैंने उनकी आंखों पर छिड़का और वो जल गया। उस वक्त बहुत सारे स्वर्गदूत उधर आ गए और सब पे आग छिड़क दिया। क्या आपको पता है कि वो कैसे दिखते थे? उनके पास बड़े पंख थे और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सफेद रंग का वस्त्र पहना था। उन्होंने सब पे आग छिड़का और वो चले गए। दोस्तों एक दिन जब मैं सोया हुआ था तो मैं एक जगह पर गया। वो जगह पूरी तरह से हरियाली से भरी हुई थी, वहाँ घास और पेड़ थे। फिर यशवा पिता ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा फल चाहिए बोलो। तो फिर मैंने यशवा पिता से कहा कि यशवा पिता मुझे इस पेड़ का फल चाहिए। यशवा पिता ने कहा नहीं नहीं ये बहुत ही बुरा है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम बहुत क्रोधित हो जाओगे और फिर तुम किसी के भी दोस्त नहीं रहोगे। फिर मैंने कहा ठीक है, यशवा पिता से कहा। फिर यशवा पिता ने मेरे लिए वहाँ पर नया फल बनाया। फिर जब मैंने उस फल को खाया तो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एक सफेद रंग के घोड़े पर बैठकर नीचे आए। वो घोड़ा बहुत सुंदर और आकर्षक था दोस्तों। फिर सारे स्वर्गदूत मुझे और प्रभु यीशु को घेर कर खड़े हो गए। ये मेरा दर्शन था दोस्तों। फिर शैतान जो बहुत बड़ा था वो हमारे पास आया और उसने कहा, उसी समय पिता यीशुआ ने मुझे एक तलवार दी। मैंने उसे हराया और वापस कर दी। जब एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी, शैतान आया और मुझे जान पर ले गया और वो उसने मुझे वहाँ रखा और वो फोन में खेल रहा था। शैतान कैसा दिख रहा था? उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसके पंख काले थे। क्या उसके पंख थे? हाँ। और क्या वो काले रंग के थे? हाँ। वो अच्छा था या बुरा था? वो बुरा था। वो क्या कर रहा था? वो फोन के साथ खेल रहा था। क्या वो अपने फोन के साथ खेल रहा था? हाँ। और तुम उसे देखकर डरी नहीं? हाँ मैं डर गई थी। तो तुमने उस समय क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु आ गए। प्रभु यीशु आए? क्या वो तुम्हें बचाने आए? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु ने शैतान को मार दिया, मुझे उठाया और मुझे वापस ले आए। प्रभु यीशुआ के स्वर्गदूत जो थे वो मेरी दाईं ओर खड़े थे और शैतान के सिपाही जो थे वो इस ओर खड़े थे। इस ओर शैतान के सिपाही खड़े थे, फिर इस ओर देखा तो शैतान आ रहा था। फिर यीशुआ पिता ने स्वर्गदूत को बुलाया और उससे कहा कि मेरे कान में आके कुछ बोले और इस बारे में शैतान को खबर नहीं पड़नी चाहिए। क्या मैं आपसे बताऊं कि स्वर्गदूत ने क्या बताया? उसने कहा कि डरो मत, शैतान को हराओ और वो तुम्हारे अंदर से उड़ जाएगा। शैतान ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो शैतान तुरंत ही नरक में जा गिरा दोस्तों। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने प्रभु यीशु को देखा। उन्होंने स्वर्गदूतों को मेरे चारों तरफ खड़ा रहने को कहा और उनसे कहा कि वह मुझे आशीर्वाद दे। मैं और प्रभु जब सीढ़ियों से नीचे गए तो उन्होंने मुझसे सेविकाई करने के लिए कहा। क्या तुम पाठशाला के सभी मित्रों को कहोगी कि आखिरी दिनों में वो प्रभु के योद्धा बन जाएं? योवेल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन के अनुसार अंतिम दिनों
बातों के भविष्यवक्ता के अभिषेक के बारे में जो बताया गया है उससे आत्मिक बदलाव आ रहा है। बच्चे ढूंढे जो अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग परिवारों से थे और जिन्होंने दर्शन देखा था। ये बात साबित करता है कि प्रभु सबके लिए है। योद्धा बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि वो शैतान को हरा दे। इसलिए प्रभु उन्हें शैतान की जगह पर लेके जा रहे हैं और उनके षड्यंत्र के बारे में उन्हें समझा रहे हैं और उन्हें हथियारों के साथ तैयार कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं किस तरह से लड़ना चाहिए और रहस्य भी उजागर कर रहे हैं। प्रभु ने छोटे बच्चों को एक आत्मिक हथियार प्रदान किया है। बच्चों को प्रभु ने ये कहा है कि वे उनके शहीद हैं और वे उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं। और आज पूरी दुनिया ऐसे अनुभव नन्हे सितारे कार्यक्रम के द्वारा देख रही है और सीख भी रही है और पूरी दुनिया प्रभु यीशुआ के आगमन के बारे में जान रही है। नन्हे सितारे कार्यक्रम का असर सिर्फ छोटे बच्चों पर ही नहीं पर बड़े लोगों पर भी है। पिछले 3 साल में 150 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। नन्हे सितारे कार्यक्रम में उस दर्शन के बारे में बताया गया जो छोटे बच्चों ने प्राप्त किए और वो भी जो योवेल के दूसरे अध्याय 28वें वचन में कहा गया। प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं।
नन्हे सितारे कार्यक्रम देखने वाले हमेशा जुड़े रहना, उनके आने के लिए तैयार रहना। भेजिए और अगर उसने दर्शन देखा हो तो वो भी अनुभव लिखकर भेज दीजिए। हमारा पता है मल्लकुट्टीस एंजल टीवी विल्लीवक्कम चेन्नई 49 तमिलनाडु इंडिया और ईमेल आईडी है mallak.kuttis@angeltv.org।